नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं शिवम। आप सभी देख रहे हैं सिमरा दर्पण न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश जालौन झोपड़पट्टी में रहने वाले 58 परिवार को दी गई खाद्य सामग्री। जालौन उत्तर प्रदेश, कोरोना महामारी से लड़ रहे लोगों को भूखा न सोना पड़े, इसलिए जिला प्रशासन हर गरीब परिवार के घर घर खाद्यान्न सामग्री पहुंचा रहा है। जालौन नगर में क्षेत्र साल इंटर कॉलेज के पास झोपड़पट्टी में रहने वाले 58 परिवार को जालौन SDM सुनील कुमार शुक्ला, तहसीलदार बलराम गुप्ता द्वारा खाद्य सामग्री वितरण कराई गई। वहीं सभी लोग से अपील की गई कि आप सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें। इस मौके पर SDM सुनील शुक्ला, तहसीलदार बलराम गुप्ता, कोतवाली निरीक्षक प्रभारी सुनील कुमार यादव, कस्बा चौकी इंचार्ज संजीव कुमार, लेखपाल शिवराज सिंह निरंजन मौजूद रहे और लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में रूबरू कराए और तथा बाहर निकलने के लिए भी समझाया कि बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप लोग बाहर निकलें और मास्क लगाकर निकलें, क्योंकि इस कोरोना जैसी वैश्विक घातक महामारी का इलाज अभी तक दुनिया में संभव ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसलिए प्रशासन बड़ी सख्त है और लोगों को बताने और समझाने और जागरूक करने में पूरी प्रशासन सरकार पूरा हर संभव मदद कर रही है, प्रयास कर रही है और लोग और गरीब असहाय मजदूरों की सहायता कर रही है कि कोई भी गरीब मजदूर असहाय लोग भूखे पेट ना सोएं और भूखे ना रहें। ये आप देख रहे हैं सिमरा दर्पण न्यूज़ उत्तर प्रदेश जालौन से राजकुमार दोहरे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट।